शदीद है, -4 टेम्परेचर है। चंदूर से चले हैं बर्फ में होते होते होते, अभी चित्राल पहुंचे हैं, बस इधर खाना खाया है, चाय पी है, और चाय पी के अब हम चल रहे हैं चित्राल से निकल रहे हैं। बस चित्राल से निकल रहे हैं 9:38 जी। ये चित्राल का ब्रिज, चित्राल से निकलते हैं जी। बारिश हुए जा रही है, 10:30 हो रहे हैं इस वक्त, और PSO द रोड से हम लोग डीजल फुल करा रहे हैं। डीजल यहाँ से करवाते हैं फुल, देखते हैं कितना आता है इस वक्त गाड़ी के अंदर। रमज़ान फुल करवाओ, देखो 10:30 का करवा लो, 11 का करवा लो। तो PSO द रोड पे हम लोग मौजूद हैं इस वक्त। गाड़ी माशाल्लाह बिल्कुल सही आ रही है, गंदी हो रही है सारी, साइड से भी आप देख सकते हैं कीचड़ लगा हुआ है सारा। देखते हैं कितना आता है डीजल। ठंड है यहाँ पर भी, मगर वहाँ से आने के बाद तो इतनी नहीं लग रही यहाँ पर। ये आया है जी 10:30 का डीजल, 45.95 चित्राल से शंदूर तक, और शंदूर से फिर वापस 10,500। इस वक्त ऑलमोस्ट 11:30 होने वाले, 11:20, और ये हम लोग लवारी टनल की, लवारी टॉप की चढ़ाइयाँ चढ़ रहे हैं चित्राल से चले। वैसे तो आज शिंदूर से चले हुए, शिंदूर टॉप से बात है। और अच्छा ही हुआ आगे नहीं गए, वहाँ बनाम छाया हुआ है अंडर साइड पे, खबर आई है अभी अभी कि वहाँ पे भी अवलॉन्च आ गया है, रास्ते बंद है, लवारी की चढ़ाइयाँ चढ़ रहे हैं। बारिश बर्फ मिक्स यहाँ पे आ रही है, बारिश बर्फ का मिक्सचर है, क्लियर है रास्ता, क्लियर है जी। चढ़ रहे हैं, रास्ता अभी तक क्लियर है, वरना 2 साल पहले हम यहाँ भी सब बर्फ ही बर्फ थी। क्रॉस हो रहा है आपके सामने जी, पीछे तो आपने देखा होगा कि वहाँ भूनी और मस्तूर किस कदर हैवी स्नोफॉल थी। हाँ इधर भी शुरू हो जाएगी, आगे जो मोबाइल बता रहा है 3-4 दिन का तो बता ही रहा है भाई, कंटिन्यूअस। हाँ सही बात है जी, सफेद मेरा है पूरा नेक्स्ट डे। हाँ खत्म ही नहीं होने में आ रही थी, वही तो हम कह रहे थे यार ये कब खत्म होगी जी, बर्फ ही बर्फ थी, स्नोफॉल ही नहीं खत्म होने में आ रही थी। यहाँ पे हमें लवारी के करीब बर्फ जो है वो रास्ते में मिल रही है, जो कच्चा था ना इसको बस बर्फ थी, यहीं से कर लें छोड़ दो बस चढ़ाई आगे। ये बाहर का व्यू है, आसमान तो क्लियर है अभी ना, आसमान तो क्लियर है लेकिन बर्फ पड़ी हुई है ना जी। H4 हो गई है गाड़ी हमारी, बर्फ पड़ी हुई है यहाँ पर, तो आपको दिखाता जाता हूँ। ये जो है ना वो स्टीप मोड़ है लवारी के, उस तरह की नहीं है अभी ये बर्फ, उस तरह की नहीं है सही बात है। पहाड़ कैसा दिख रहा है, जो चांद की रोशनी की वजह से ज्यादा दिख रहा है, पहाड़ सफेद हुआ है पहाड़। हम तो जितनी देख के आ रहे हैं हमें तो कुछ भी नहीं लग रही है, ऊपर एकदम से होती है देखो, ऊपर बादल है। हाँ जी ऊपर टॉप वो होगा ना जो लवारी टॉप है, तो हम लवारी पास जाएंगे।
पे ये ना ट्रैफिक फ्लो होता है, गाड़ियाँ वगैरह क्रॉस करती रहती हैं तो मेल्ट हो जाती है, और वो सफाई भी रखते हैं ना ये कुछ नहीं करते है। मशीनरी वगैरह लगाते होंगे ना, वो तो मशीनरी लगाते हैं वैसे, नमक चमक देखो ऊपर घर बने हुए इस पर बाहर बादल है ना जी। इस मोड पे ये बहुत स्लिपरी मोड़ है यहाँ का, बादलों के अंदर हाँ है। ये हम छोटी वाली टनल में एंटर हो गए। टनल के अंदर भी बादल है ना, धुआं होता है ना, एग्जॉस्ट सिस्टम कोई नहीं उन्होंने रखा हुआ। टनल में से हम क्रॉस कर रहे हैं, चेनें लगी हुई है, देखते हैं क्या होता है, पता करें इनसे पता करो क्या पोजीशन है आगे, चेन की जरूरत है कि नहीं है पता करो। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई जान, कैसे खैरियत से? लो में तो ना करें, बस ये यही कह रहे हैं कि जी आराम से जाएं, बस ये दो मोड़ ही हैं, ये क्रॉस हो जाते हैं तो बाकी तो फिर कुछ नहीं है। लेफ्ट कर लें, लवारी क्रॉस कर रहे हैं हम लोग, आखिरी मोड़ रह गया है। ये तो ये कुछ भी नहीं है, इधर से हम आ रहे हैं ना, वो आ रहे हैं वो अलग है, ये सीमेंट है बेटा। हाँ ये है, ये नीचे सीमेंट है, पेट पेट वो है, ट्रैक्शन है बिल्कुल, ये टेक्निक होती है ना चलाने की, टेक्निक होती है ये, बस विदाउट चेन वाले बोर्ड पे आखिरी से पहले
शीशे ऊपर करना है। तो ये हमने इजीली क्रॉस कर लिया। अभी बात है हम जितनी बर्फ देख के आ रहे हैं, ओ भाई इतनी मोमेंटम नहीं तोड़ो ना आप गाड़ी का, बहुत ज्यादा भी नहीं रखो और मोड़ पर कभी एक्सीलेटर नहीं देना। एक्सीलेटर नहीं देना, एक उस पर आप रखें गाड़ी गुजरती है आराम से। बस इसीलिए हमने अल्लाह का शुक्र है क्रॉस कर लिया। हल्का मुल्का वो टेल मारेगी इधर उधर, उसमें घबराना नहीं है, चल रहे हैं आगे। बड़ी बड़ी टनल है क्रॉस करते हैं, ये लंबी टनल है 9.5 किलोमीटर की, उसके बाद बस फिर डाउन हिल है। डाउन हिल होगा तो धीर आ जाएगा। मैंने H4 में ही रखी हुई है गाड़ी, क्योंकि अभी उतराई का सबसे ज्यादा डर होता है गाड़ी का। जो साइड पर करके ना मशीन चला के इन्होंने रास्ता बनाया हुआ जी। हाँ बर्फ पड़ी है, बर्फ अच्छी खासी यहाँ पे पड़ी हुई है। यहाँ पे मशीनें रखी हुई है ना जी, यहाँ पे वही मैं कह रहा हूँ कि काम ये करते हैं यहाँ पे, लवारी ओपन रखते हैं। बर्फ पड़ती है देखें दोनों साइड पे, इतना ही ह्यूज अमाउंट साइड पे करके जी तो खोल देते हैं रखा होगा। अब तो नीचे उतरना है, नीचे उतरते हैं। ट्रक भी खड़ा है वहीं ऊपर से बर्फ में भरा हुआ है दोनों साइड पे। अब रमजान कितनी 6 से 8 इंच तो है ना ये जो इधर 6-8 इंच बर्फ पड़ी है यहाँ पे। तो ये है मशीन से लगा के इन्होंने अच्छा करा हुआ है, इसको खोला हुआ है, खोल लेते नीचे वो डील। जा रहे हैं हम लोग, हल्की हल्की पड़ भी रही है बर्फ अभी, और पड़ी हुई भी है पहले की लार्ज अमाउंट में, इसको क्रॉस करते हुए हम जा रहे हैं। इधर तो ज़्यादा साफ का ट्रैक मैंने इसलिए इधर 253 और ये आ गया है सवाद मोटरवे। लेफ्ट साइड पे मंगोरा सवाद वाली साइड जा रहे हैं और स्ट्रेट बटखेला मोटरवे हम लोग सब थोड़ी देर में एंटर करेंगे। स्पी रीजन हमारा ख़त्म हो गया है और चतराल से फाइनली हम मोटरवे तक आ गए हैं भाई। सवाद मोटरवे चतराल से चले थे, चतराल से क्या चले थे, चंदूर से, चंदूर में क्या लसपुर से पहले चंदूर पहुंचे, चंदूर से फिर वापस आए और चतराल से होते होते आप इस वक्त समझो रात के 3 बजे सवाद मोटरवे एंटर हो गए। सवाद मोटरवे पर एंटर होंगे ये हमें सीधा, यानी मोटरवे जो है ये जाके टच करेगा सवाद मोटरवे M1 पे। M1 पेशावर से इस्लामाबाद वाला मोटरवे है, उस मोटरवे पे पहले हम जाएंगे और फिर उससे हम हज़ारा एक्सप्रेस वे हज़ारा मोटरवे पे एंटर हो जाएंगे और जो हमें लेकर जाएगा हज़ारा मोटरवे हमें लेकर जाएगा कहाँ तक, थाकोट तक, थाकोट तक थाकोट जाएंगे। चलते हैं जी जी।